आसपास उन लोगों ने फ़ोन किया, शाहिद ने और आफ्ताब ने, कि रिंग रोड आइए, कुछ काम है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपया मुझे रंगदारी चाहिए। मना करने पर उन लोग हाथापाई और चाकू चला दिया और ये भी धमकी दिया कि अगर केस करते हो तो तुमको और तुम्हारा परिवार को घर में घुस के गोली मारेंगे। जबकि उन लोग से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जान पहचान तक नहीं। 1 सप्ताह से उन लोग को हम जानते हैं। कितने लोग थे छोटे? 5 लोग थे, उसमें 4 लोगों का नाम जानते हैं, एक आफ्ताब, एक शाहिद और तब्बू और एक गुड्डू काके का है, बाकी का नाम नहीं जानते हैं। देखिए शिकायत दिए? हाँ, काके थाना में आवेदन दिए, FIR हो चुका है। क्या कुछ गुहार लगाना राजीव प्रसाद से? बस जेन्युइन जो है वो कानूनी कार्रवाई हो उन लोगों की, क्योंकि उन लोग अपराधी किस्म का ये है, फरारी में सब आके कांके में रहता है। उन लोग से जान माल का डर है कि कभी भी उन लोग अटैक कर सकता है मेरे पे या मेरे परिवार पे, क्योंकि उन लोग को जान या इज्जत का डर नहीं है। 24 घंटा दारों पे हथियार लेके चलता है और हमेशा वो लोग 6 आदमी 7 आदमी ही रहता है, एक लोग घूमता है, पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। इससे कोई मामला नहीं है, उन लोगों को 3 लाख रुपया रंगदारी चाहिए था। रांची से आके अब अभी कांके में रह रहा, तो कांके में जब तक कोई घटना नहीं करेगा तो लोग पहचानेंगे कैसे कि क्रिमिनल है। थाना में कल ही लिख के दे दिए हैं, थाना में बोला कि जांच करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, जाएंगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। हम एक दिन वेट कर ले रहे हैं, अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुआ तो परसों हम ग्रामीण SP, सीनियर SP, DGP, मुख्यमंत्री सबके पास आवेदन देंगे, सबके पास। ज़्यादा देखिए, मेरे एक भाई है जो दिन भर कांके में ही रहता है, कांके में ठेकेदारी करता है, मेरा बेटा स्कूल कॉलेज जाता है, उन लोग के लिए हमको डर है अब कि कभी उन लोग केस उठाने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए, हो सकता है मेरा बेटा को उठा ले, वो लोग कुछ भी कर सकता है। आफ्ताब पूरा नाम नहीं पता है, रहमान कॉलोनी में रहता है, शाहिद हिंदपुरी का है, तब्बू गुदड़ी चौक का है, उदिन बोस का बेटा, और एक कांके का गुड्डू है। इसलिए मैं कांके थाना में ही आवेदन दिया हूँ, अगर यहाँ से एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और कोर्ट में भी केस फाइल करेंगे। मोहम्मद तबरेज हुआ, तबरेज उर पप्पू, काके सुकरुट्टू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।